नमस्कार दोस्तों, आशु जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज भी हमारा विषय राजस्थान कला एवं संस्कृति रहेगा, क्योंकि इतिहास के बहुत सारे वीडियो मैंने डाल रखे हैं, लेकिन कल्चर के वीडियो मैंने अभी शुरू नहीं किए। एक दो मेले, मंदिर, महोत्सव, जाम्बो जी, नमस्कार नमस्कार, उन्हीं के डाले हुए हैं। नमस्कार, आगे सभी ऑनलाइन। तो आज शुरू करते हैं पहला प्रश्न। नमस्कार नमस्कार सेलू, आपका भी नाम ले लिया। कल जो कह रहे थे कि नाम नहीं लिया, देखिए मैं लाइव नहीं देख पाता हूं। हैप्पी बर्थडे कविता चौधरी, जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। नमस्कार, भुगतरी वस्त्र क्या है? पहला प्रश्न, भुगतरी वस्त्र क्या है? तो आप बताइए, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की कमर के नीचे के भाग में पहना जाने वाला वस्त्र, या ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र, क्या है बुगतरी? बताइए आप सभी जी। मैं बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। बुगतरी जो होता है उसे अंगरखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंगरखा। भुक्तरी को ही क्या कहा जाता है? अंगरखा। तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो पुरुषों के शरीर के ऊपरी भाग में जो पहना जाने वाला वस्त्र होता था उसको क्या कहते थे? भुक्तरी। तो इसका उत्तर क्या होगा? एक नंबर। तो हमारे पहले प्रश्न का जवाब क्या है? भुक्तरी का अर्थ क्या हुआ कि ग्रामीण जो परिवेश था उसमें जो पुरुष होते थे वो ऊपरी भाग पर जिसे पहनते थे अंगरखे को, जिसको उसे कहते थे भुक्तरी। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में पाटोदा का लुगड़ा निम्न में से कहां का प्रसिद्ध है? भुक्तरी जो काले रंग का वस्त्र होता है, सफेद धागे से कढ़ाई की जाती है, जिस पर ये ध्यान रखना आप, पाटोदा का लुगड़ा। जी बहुत सही है इसका उत्तर। खंडेला की गोटाजरी प्रसिद्ध है, नवलगढ़ की हवेलियां प्रसिद्ध है, कांवट में पीतमपुरी झील है, कांवट जो मेरा पैतृक गांव है, खंडेला तहसील में, सीकर जिला। तो इसका उत्तर होगा लक्ष्मणगढ़ तथा मुकुंदगढ़, यहां का पाटोदा का लुगड़ा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य में फैशन फॉर डबल पेमेंट योजना किस लिए संचालित की जा रही है? तो बताइए आप, नहीं आदिवासियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए, नहीं फैशन डिजाइनर को बढ़ावा देने के लिए भी नहीं। जिसका उत्तर होगा खादी एवं ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए, तीन नंबर। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में सबसे अधिक चित्रांकन वाली सबसे पुरानी फड़ है? बाबूजी की, भैंसासुर की, देवनारायण जी की, या रामदेव जी की? तो मैं आप बता दूं आपको, बाबूजी की जो फड़ है वो सबसे प्रिय फड़ है, जिसमें रावण हत्ता वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। रावण हत्ता, रावण हत्ता वाद्य यंत्र का ये प्रयोग रामदेव जी की फड़ में होता है। दोनों जगह कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता। प्रिय कौन सी है? पैसे बाबूजी, पैसे प्रिय। देवनारायण जी बड़ा नाम, तो सबसे अधिक चित्रांकन भी किसकी फड़ में? देवनारायण जी की फड़ में। 1992 में डाक टिकट भी जारी हुआ था देवनारायण जी वाली फड़ पर। और उसके बाद अगर बात करें कि भैंसासुर की जो फड़ है, ये बावरी जाति या बागरी जाति के जो लोग होते हैं चोरी करते समय इस फड़ के आगे माथा टेकते हैं, इसका वाचन नहीं होता है और आशीर्वाद स्वरूप वो इसके आगे माथा टेकते हैं। एक अन्य फड़ भी है, रामदला व कृष्णदला। इस फड़ में क्या होता है? दला। ठीक है, ये जो फड़ है वो धूलजी द्वारा निर्मित है, धूलजी द्वारा निर्मित। इस फड़ में क्या होता है कि हाड़ौती क्षेत्र में इसका वाचन दिन में होता है
और किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं होता। वाचन कब होता है इसका? दिन में। प्रश्न पूछा जाए, रामदेव जी की फट किसने बनवाई थी? तो रामदेव जी की फट बनाने वाला व्यक्ति था चौथ मल चितेरा। एक अमिताभ बच्चन की भी फट है, रामलाल भोपा, रामलाल व पतासी भोपे थे, इन्होंने अमिताभ बच्चन की फट बनाई थी। किसकी बनाई थी? बिग बी की, अमिताभ। नेक्स्ट, अंगरखी के ऊपर पहरे पहने जाने वाला वस्त्र कहलाता है अंगरखी। अभी हम भुगतरी की बात करके गए थे, मैं इन सभी के बारे में आपको बता दूं। देखो, सबसे पहले अगर बात करूं कि अंगरखी के ऊपर जो पहने जाने वाला वस्त्र कहलाता है वो क्या कहलाता है, तो अंगरखी के ऊपर जो पहने जाने वाला वस्त्र कहलाता है, आप उत्तर बताइए पहले। तो मैं आपको पहले भुगतरी और अंगरखी के बारे में बताऊं। अंगरखी जो होती है वो काले रंग का वस्त्र होता है, और इसी वस्त्र में सफेद धागे से कढ़ाई की जाती है। सफेद धागे से क्या की जाती है? कढ़ाई की जाती है, जिसमें फूल, सितारे, ज्यामितीय आकृति पर लगे होते हैं। उसी प्रकार आत्मसुख, प्रश्न पूछा गया आत्मसुख क्या है? अंगरखी, अंगरखी या चोगे पर पहने जाने वाला सर्दियों के समय का वस्त्र, सर्दियों का वस्त्र है, चोगे पर पहनते हैं इसको और उस पे पहनते हैं अंगरखी पर। सवाई माधो सिंह प्रथम का, जयपुर के शासक, जिनका आत्मसुख विश्व का सबसे बड़ा आत्मसुख था। और इस प्रश्न का जो उत्तर है वो होगा चोगा। तो उनका जो चोगा था वो विश्व का सबसे बड़ा चोगा था, जो सिटी पैलेस में है, माधो सिंह प्रथम, जिन्होंने सवाई माधोपुर शहर बसाया है, भटवाड़ा का युद्ध किया था, ईश्वरी सिंह के भाई थे। कहां पर है ये? सिटी पैलेस में आत्मसुख है जो, या इनका चोगा। चोगा को गाउन की तरह होता है, गाउन जो होता है ना उसकी तरह होता है। ये क्या है कि पूरे शरीर को ढक लेता था, अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र जिसे चोगा कहा गया है। और चोगे के ऊपर या अंगरखी के ऊपर जो सर्दियों में पहनते थे उसे आत्मसुख कहा गया है। रजवाड़े में सर्वाधिक प्रयोग होता था जामा। जामा क्या है? शादी ब्याह या दरबार आदि के विशेष अवसर पर इसे रजवाड़ों में यानी राजपूत शासकों में पहनने का रिवाज था। कंधे के पास से बांधा जाता था। अबुल फजल ने इसको कहा है टकूचिया, टकूचिया। क्या कहा है? टकूचिया। और अकबर ने कहा है सरबा गति, यानी अकबर के समय की बात कर रहे हैं हम। यह बात किसने कही? अबुल फजल ने। यह बात कौन कहता है? अकबर। और जामा का ही एक छोटा रूप क्या कहलाता है? टेल, पतलून टाइप होता है, जिसे पेंट भी कह सकते हैं अपने। नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान में भूमिज शैली का सबसे पुराना मंदिर है, जो भूमिज शैली है उसका सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? भूमिज शैली क्या है? जो नागर शैली होती थी, जी बिल्कुल सही, उसी की उप शैली है। और इसकी खास बात क्या होती है कि जो मंदिर है वो खुली छत वाला होता था, खुली छत वाली परिक्रमा होती थी उसमें, परिक्रमा। और इसका सबसे पुराना मंदिर कौन सा है? पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर, पाली जिले का सेवाड़ी जैन मंदिर है, जो लगभग 1010 से 20 ईस्वी के मध्य का है। 1010 से 20 ईस्वी के मध्य का है। 1025 ईस्वी की अगर बात करें तो मोहम्मद गजनवी, महमूद गजनवी, तो उसी समय का है ये। पंडित जसराज का संबंध है जयपुर घराने से, डागर घराने से, अतरौली घराने से, मेवाती घराने से। एक प्रश्न आता है, पढ़ा भी होगा आपने, कि जो कथक जो शास्त्रीय नृत्य है उसका राजस्थान में कौन सा घराना है?
तो जयपुर में है कौन सा, सॉरी राजस्थान में कौन सा है, जयपुर है। तो आपको पता है मैंने आंसर पहले बोल दिया। तो कथक नृत्य जो है उसका राजस्थान में घराना कौन सा है, जयपुर, भानुजी महाराज। पंडित जसराज का संबंध यहां पर उत्तर होगा, बिल्कुल सही है, मेवाती घराने से। कहां से होगा, मेवाती घराने से। संस्कृत के नाटकों में प्रयुक्त विदूषक शब्द किस वर्ण से संबंधित है, संस्कृत नाटकों में प्रयुक्त विदूषक शब्द किस वर्ण से संबंधित है, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। वैदिक काल में एक विराट पुरुष के बारे में जानकारी मिलती है, उसी से ये चार वर्ण बांटे गए हैं, ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य। तो विदुषक जो शब्द है वो शूद्र से संबंधित है। संस्कृत नाटकों में नाटक या नौटंकी का अभिप्राय क्या होता है, अभिनय करना। रामलीला नोक नाट्य का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, यानी जो रामलीला है उस लोक नाट्य का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया। इसमें नाम बता रखे हैं मैंने, शिवलाल कुमावत, बक्सुराम, गोस्वामी तुलसीदास, श्री भूरीलाल। तो आपको मैं बताऊं, बक्सुराम को माच के ख्याल का जन्मदाता माना जाता है। माच के ख्याल कहाँ के हैं, उत्तर दीजिए आप, भीलवाड़ा। माच का अर्थ होता है मंच, क्या होता है, मंच। तो यहां का बक्सुराम जन्मदाता था, लकड़ी के तख्तों से बना हुआ जो मंच होता था उस पर ये खेल खेलते थे। ठीक है, फिर बात करें शिवलाल कुमावत की। शिवलाल कुमावत ये रासलीला की शुरुआत करने वाला, जो कृष्ण अभिनय पर आधारित होती थी रासलीला। राजस्थान में इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है, फुलेरा। कहां पर है, फुलेरा, फुलेरा इसका मुख्य केंद्र है। और उसके बाद अगर बात करूं मैं, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, तो इसका उत्तर होगा गोस्वामी तुलसीदास द्वारा इसकी शुरुआत की गई, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा। अब रामलीला से संबंधित प्रश्न आया, एक बार राजस्थान पुलिस में पूछा गया कि मूक रामलीला कहां की है। तो मूक रामलीला जो है कहां की है बताइए आप, बिसाऊ झुंझुनू की। कहां की है, बिसाऊ झुंझुनू की मूक रामलीला प्रसिद्ध है। उसके अलावा प्रश्न पूछा गया कि राजस्थान में ऐसी कौन सी जगह है जहां की रामलीला में धनुष राम द्वारा नहीं तोड़ा जाता, अविवाहित जो युवक होते हैं उनके द्वारा तोड़ा जाता है, बताइए। तो उसका उत्तर है अटरू बारा। बारा जिला में जो रामलीला होती है वहां धनुष राम के द्वारा नहीं तोड़ा जाता, स्थानीय लोग जो कुंवारे होते हैं उनके द्वारा तोड़ा जाता है। इसके अलावा प्रश्न पूछा जाए मांगरोल की ढाई कड़ी की रामलीला प्रसिद्ध है, एक भरतपुर में भी स्थान है जुरहरा, भरतपुर में। जुरहरा कहां पर है, भरतपुर में, यहां की भी रामलीला प्रसिद्ध है। इसमें श्री भूरीलाल नाम दिया है और भरतपुर का नाम आ गया, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि भूरीलाल जो है वो नौटंकी, नौटंकी राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, भरतपुर जिले की है। इसकी कौन सी शैली प्रसिद्ध है, हाथरस शैली। हाथरस शैली प्रसिद्ध है, ये कहाँ की है, यूपी की। हाथरस शैली कहाँ की है, यूपी की है। शुरुआत किसने की थी, भूरीलाल ने की थी। भूरीलाल कहाँ के रहने वाले थे, डीग के। डीग के जल महल, यानी जल महलों की नगरी कौन सी है, डीग। किसने निर्माण करवाया, सूरजमल जाट ने। क्या कहा जाता है, जाटों का अफलातून, जाटों का प्लूटो कहा जाता है। प्रश्न आ जाए कि नौटंकी का प्रसिद्ध कलाकार कौन सा था, गिरिराज प्रसाद। कौन था, गिरिराज प्रसाद। तो अभी यहां पर हमने सभी चीजों की बात की, तो रामलीला का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया, गोस्वामी तुलसीदास। भील जनजाति के पुरुष तंग धोती पहनते हैं जिसे कहा जाता है, उत्तर दीजिए आप, खोइतू, पोतिया, सलूका या ढेपाड़ा। सलूक नहीं है ये, सलूका होगा, बताइए आप उत्तर क्या होगा इसका। भील जनजाति में जो लोग होते हैं वो एक तंग धोती पहनते हैं, उसे क्या कहा गया है, सोचिए।
बहुत बढ़िया प्रयास आप सभी का। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि भील जनजाति में जो लोग होते हैं जो तंग धोती पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है। इसका उत्तर है जी बिल्कुल सही, ढेपाड़ा। और भीलों के अन्य जो नाम दे रखे हैं यहां पर कि खोइतू क्या है, भील पुरुष जो कमर पर बांधने वाली धोती, कमर पर जो बांधने वाली सॉरी धोती क्या लंगोटी जिसे कहते हैं उसे खोइतू कहा गया है। पोतिया क्या है, पोतिया एक मोटा वस्त्र होता है जो पगड़ी के स्थान पर काम में लिया जाता है। किसके स्थान पर काम में लिया जाता है, पगड़ी, पगड़ी के स्थान पर काम में लिया जाने वाला वस्त्र पोतिया। कमर पर बांधी जाने वाली जो लंगोटी है वो क्या है, खोइतू। और सलूका, सहरिया जनजाति में जो अंगरखी, सहरिया जनजाति में सहरियों की अंगरखी क्या कहलाती है, उसका उत्तर होता है सलूका। तो आप यहां इसको नोट कर सकते हो सलूका कह के, या पूछ ले कि सहरियों का जो साफा होता है उसे क्या कह सकते हैं अपने, सलूका। ऐसा नहीं, सहरियों का जो साफा होता है उसे खपटा कहेंगे, सॉरी सहरियों का साफा क्या कहलाएगा, खपटा। नेक्स्ट पर्सन, समुद्र लहर नाम का लहरिया कहां रंगा जाता है। लहरिया की बात करें, राजस्थान में लहरिया हुआ, मोटरा हुआ, ये क्या है, अगर आडी धाराओं द्वारा इस प्रकार से, ये तो होता है लहरिया जिसमें 2, 5, 7 रंगों का, एक रंग का भी प्रयोग किया जा सकता है, तो ये तो कहलाता है लहरिया। अगर इन्हीं धाराओं को इस प्रकार से अगर काट दिया जाए तो ये क्या बन जाता है, मोठड़ा। क्या बन जाएगा, मोठड़ा। तो समझ में आ गया कि लहरिया क्या होता है, मोठड़ा क्या होता है। तो राजस्थान में समुद्र लहर का जो लहरिया है वो कहाँ का है, जयपुर का प्रसिद्ध है। यहाँ का एक और भी प्रसिद्ध है, राजशाही। कौन सा है, राजशाही। समुद्र लहर वाले में कलर कौन सा होता है, गुलाबी। कौन सा होता है, गुलाबी। जयपुर का वैसे कौन सा लहरिया प्रसिद्ध है, पंचरंगी। कौन सा लहरिया प्रसिद्ध है, पंचरंगी लहरिया प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अपने कि राजस्थान में और कहाँ कहाँ से जो चीज़ें बताई मैंने कि बीकानेर का तो लहरिया व मोठड़ा दोनों ही प्रसिद्ध है। अगर सीधा मोठड़ा पूछा जाए तो जोधपुर। ओपन आर्ट गैलरी के नाम से कौन सा क्षेत्र विख्यात है, शेखावाटी, हाड़ोती, आमेर, मेवाड़। यानी चार ऑप्शन आपके सामने, ओपन आर्ट गैलरी, इसका उत्तर होगा नहीं, दक्षिण राजस्थान नहीं है, मेवाड़ भी नहीं है। चित्रकला मेवाड़ में शुरू हुई लेकिन भित्ति चित्रों के कारण शेखावाटी को ओपन आर्ट गैलरी कहते हैं, जिसमें जिले आते हैं सीकर, झुंझुनू और चूरू। भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है शेखावाटी क्षेत्र। राजस्थान के पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, सारंगी, शहनाई, अलगोजा, संतूर। तो आप बताइए इसका उत्तर क्या होगा। सारंगी, शहनाई, संतूर, अलगोजा। तो जो सारंगी है, पहले मैं इसके बारे में बात करूं, तत्वाद्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, सारंगी। सारंगी में कुल 27 तार होते हैं, सारंगी सा से 27 तार, तार यानी तार से बजने वाले वाद्य यंत्र तत्व कहलाते हैं, और उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, सारंगी। सारंगी में ही सा से ही किसकी लकड़ी प्रयोग में ली जाती है, सागवान की लकड़ी। किसकी प्रयोग में ली जाती है, सागवान की। इसके नीचे का जो भाग होता है वो बकरे की खाल से मढ़ा जाता है तथा इसकी गज में घोड़े की पूंछ के बाल लगे होते हैं। कौन सी जाति इसका ज़्यादा प्रयोग करती है, लंगा जाति, जो पश्चिमी मारवाड़ में सर्वाधिक है। सहनाई, सुशीर वाद्य यंत्रों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य यंत्र कौन सा है, सहनाई। शीशम की लकड़ी से बनता है सहनाई वाद्य यंत्र। चिलम जो होती है ना,
उसके आकार का होता है, चिलम के समान होता है बिल्कुल, और सदैव दो व्यक्ति साथ बजाते हैं। शहनाई को सदैव दो व्यक्तियों का प्रयोग होता है इसमें, और आठ छेद होते हैं शहनाई में। कितने छेद होते हैं? आठ छेद होते हैं। इस प्रश्न का उत्तर आपका संतूर सही है, संतूर होगा। अलगोजा, दो अलगोजे मुंह में रखकर बजाए जाते हैं एक साथ। रामनारायण चौधरी प्रसिद्ध अलगोजा बजाने वाले व्यक्ति थे, पदमपुरा जयपुर के रहने वाले। नेक्स्ट प्रश्न, एक दूसरे में पांच रंगों के वर्ग वाली छपाई को कहते हैं, मोठड़ा, लहरिया, चकदार, पोमचा। अब पांच रंगों के रंग वाली छपाई को अभी मैं बता के चला गया आपको कि लहरिया तो इस प्रकार से होगा, मोठड़ा जिसमें इस प्रकार से कटाई की हो, अब क्या बच गया? पोमचा। देखिए, पोमचा होता है पीले रंग का महिलाओं का ओढ़ने का वस्त्र, या गुलाबी रंग का, या किसी अलग अलग रंग का हो सकता है। पोमचे को अपने महिलाओं के ओढ़ने का वस्त्र मानते हैं। पोमचा जब पुत्र जन्म होता है तब पीला पोमचा ओढ़ाया जाता है महिला को, पुत्री के जन्म पर गुलाबी पोमचा। कौन सा? गुलाबी। एक होता है चीड़ का पोमचा, वो होता है विधवा महिलाओं के लिए, काले रंग का चीड़ का पोमचा कह सकते हैं। और एक प्रश्न जो रह गया हमारे बीच में, चकदार, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चकदार। एक दूसरे में पांच रंगों के वर्ग वाली छपाई को क्या कहते हैं? चकदार कहते हैं। राजस्थान की विश्वविख्यात कला में मुख्यतः किस रंग का प्रयोग आभूषणों पर किया जाता है? थेवा कला के बारे में प्रत्येक व्यक्ति जानता है राजस्थान का, जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा है, कि थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है। तो उत्तर सभी का सही होता है हमेशा, प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़। थेवा कला क्या है? कांच पर की जाती है, लेकिन मैंने यहां पर क्या पूछा? आभूषणों में जो रंग भरा जाता है वो कौन सा होता है? बेल्जियम कांच पर की जाने वाली कला कौन सी है? थेवा कला। सावंत सिंह शासक थे, उनके समय इसकी शुरुआत हुई थी, सावंत सिंह के समय। लगभग कितने वर्ष पुरानी है? 500 वर्ष पुरानी, 500 वर्ष पुरानी है ये कला, जिसकी शुरुआत सावंत सिंह के समय हुई थी। राज सोनी ने विकसित किया था, फिर नाथूजी सोनी प्रवर्तक बने, उसके बाद में वर्तमान में गिरीश कुमार सोनी को, वर्तमान में किसको दिया गया? गिरीश कुमार सोनी को राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। लगभग 8 बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। एक खास बात, यहाँ के लोग अपनी बहन और बेटी को भी ये कला नहीं सिखाते। ओनली फॉर राजस्थान के अंदर या पूरे विश्व में कहीं पर भी ये कला है तो राजस्थान के प्रतापगढ़ जिले में सोनी परिवार के अंदर ही है ये कला, बाकी कहीं पर भी नहीं है। शास्त्रीय संगीत पर रचना, राधा गोविंद संगीत सार के रचयिता थे, यानी शास्त्रीय संगीत की एक रचना है राधा गोविंद संगीत सार, जिसके रचयिता कौन थे? बताइए आप। राधा गोविंद संगीत सार, राधा गोविंद, मैंने प्रताप सिंह एक शासक बताया था जिसने हवा महल बनाया, उन्हीं के समय में इसका जिक्र कर चुका हूं। ब्रजपाल भट्ट का तो इतना समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि तो समय हमारे पास बहुत कम है, हमें आगे बढ़ना है। जो लोगों ने एक साल में काम किया वो हमें 6 महीने वाला 3 महीने में, 3 महीने वाला 15 दिन में, 15 दिन वाला 1 दिन में, 1 दिन वाला हमें 1 घंटे में, और 1 घंटे वाला काम आपको 30 मिनट में यहाँ आसू जी के ट्रिक पर करना है। तो तैयार रहें, कम समय लें, जवाब जल्दी दें। निम्नलिखित में से किस मंदिर स्थल से अर्धनारीश्वर प्रतिमा प्राप्त हुई है? तो इसका उत्तर है कंसुआ महादेव का मंदिर कोटा में है, किराड़ू मंदिर है जो सोमेश्वर जी का मंदिर जो किराड़ू बाड़मेर में है, और ये बचूकला लिखा गया है यहां, भंचूड़ला जो कल पूछा गया था कि वीरों के स्मारक स्तंभ कहाँ है भंचूड़ला, तो लास्ट में कुछ विद्यार्थियों ने पूछा कि वो कहाँ पर है, तो मैंने कमेंट बॉक्स में भी लिख दिया प्रतापगढ़ में है।
और इसका सही उत्तर होगा आभानेरी। अर्धनारीश्वर की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? आभानेरी। और आभानेरी कहां पर है? दोसा में। मुन्ना गोयल ने निम्न में से किस प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का कार्य किया? मुन्ना गोयल ने किस प्रिंट को विदेशों में लोकप्रिय बनाने का कार्य किया? अब आपके सामने इसके ऑप्शन है चार, दाबू प्रिंट, बगरू प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट या अजरक प्रिंट। एक प्रश्न पूछा गया, मोम का दाबू कहाँ का है? मोम का दाबू तो सवाई माधोपुर। कहाँ का है मोम का दाबू? मोम का दाबू SMPR सवाई माधोपुर। उसके अलावा प्रश्न पूछा गया कि मिट्टी का दाबू कहाँ का है? मिट्टी का है बालोतरा बाड़मेर। आप नोट कर लीजिए ये बालोतरा बाड़मेर। उसके अलावा एक प्रश्न ये पूछा गया कि गेहूं के बिंधन का दाबू लगता है जो, गेहूं के बिंधन का दाबू कहाँ का है? बगरू का। बगरू कहाँ पर है? जयपुर में। लेकिन विदेशों में लोकप्रिय मुन्नालाल गोयल ने किस प्रिंट को बनाया? तो उत्तर आता है सांगानेरी प्रिंट। अब यहाँ ये बात भी आ गई कि दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट जो है वो अकोला चित्तौड़गढ़ का है। अकोला चित्तौड़गढ़ का दाबू क्या होता है कि कोई कपड़ा होता है उस पर, जैसे मोम का दाबू लगाना है तो जिस स्थान पर दाबू लगाना होता है उस स्थान को धागे से बांध दिया जाता है। उसके बाद अगर बात करें अपने अजरक प्रिंट की, अजरक प्रिंट जो है बाड़मेर जिले का है। कहाँ का है? बाड़मेर का। मलेर प्रिंट और अजरक प्रिंट, अजरक को अगर मैं लिख दूं अनिल अनिल, तो अजरक प्रिंट में नीले व लाल रंग का प्रयोग होता है और मलिर रंग में काले व कथई, मलिर प्रिंट जो होता है काले व कथई का प्रयोग होता है। इसके अंदर अजरक प्रिंट में क्या होगा? नीला व लाल। प्रश्न पूछा जाए कि सांगानेरी प्रिंट में कौन सा रंग प्रयुक्त होता था? तो सांगानेरी प्रिंट में काला प्लस लाल रंग, काला प्लस लाल। ठीक है, तो उत्तर भी क्या है? सांगानेरी। नेक्स्ट प्रश्न, मिट्टी से बनी महलनुमा आकृति कहलाती है। मिट्टी से जो महलनुमा आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? थापे, कावड़, पाने या व्हील। तो प्रश्न आया हुआ है, मैं बताऊंगा आपको, जो एक्स्ट्रा प्रश्न है आप उनको भी नोट करें, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये नहीं कि आपको 30 प्रश्न बता दिए तो कल क्या बताएंगे, नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है। एक प्रश्न अगर दोबारा रिपीट भी होता है तो आपको वो जल्दी से याद आना चाहिए। पाने, प्रश्न पूछा गया श्रीनाथ जी के पाने कहाँ के प्रसिद्ध हैं? तो श्रीनाथ जी के पाने कहाँ के प्रसिद्ध होंगे? नाथद्वारा, राजसमंद के। 24 श्रृंगार का चित्रण होता है श्रीनाथ जी के पाने पर। कावड़ क्या है? कावड़ एक मंदिर नुमा लकड़ी की आकृति होती है, काष्ठ कला कृति जिसे बोलते हैं, मंदिर नुमा आकृति। कावड़ में क्या होता है कि जो कावड़ होते हैं इसमें लाल रंग से रंगा होता है वो पूरा का पूरा, और उसमें क्या है कि बाद में काले रंग का प्रयोग किया जाता है, जिससे जो पौराणिक कथाओं के जो चित्र बनाए जाते थे वो कावड़ मंदिरों पर बने होते थे। कावड़ प्रसिद्ध कहाँ की है? बस्सी चित्तौड़गढ़। बस्सी चित्तौड़गढ़ की, बस्सी चित्तौड़गढ़। मेरे मित्र हैं पुलिस में ही, पवन मीणा, उन्होंने भी काफ़ी वीडियो को शेयर किया है, धन्यवाद उनका भी। और थापे, थापे की अगर बात करूं तो त्योहारों व उत्सवों पर जो अपने परिवार में अपने देखते हैं कि देवी देवताओं के जो चित्र बनाती है मम्मी, देवी देवताओं के जो चित्र हमारी माताएं बनाती है, उन्हीं को कहा गया थापे। जैसे शीतला के थापे, गणगौर, गोगा जी, नागपंचमी के दिन जो चित्र बनाए जाते हैं, तो महलनुमा आकृति वाले क्या होता है? इसका उत्तर होगा व्हील। क्या होगा? व्हील, यानी ग्रामीण अंचलों की जो महिलाएं घर सजाने तथा दैनिक उपयोग की चीजों को सुरक्षित रखने के लिए मिट्टी की महलनुमा आकृति बनाती थी, उसे व्हील कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न, नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? नागौर का बू गांव किसके लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? पेचवर्क के लिए, लोहे के औजारों के लिए, या प्रश्न दे रखा है मिट्टी के खिलौने के लिए, गलीचा व दरी उद्योग के लिए, तो बताइए।
नागौर का बू गांव किस लिए प्रसिद्ध हुआ करता था? जी इसका उत्तर होगा पेचवर्क के लिए नहीं, इसका सही उत्तर है मिट्टी के खिलौनों के लिए। और पूरा प्रश्न एक और भी आता है कि राजस्थान में मिट्टी की मृण मूर्तियां कहाँ की प्रसिद्ध है। मृण मूर्तियां अगर पूछा जाए तो मोलेला गांव राजसमंद, मोलेला गांव कहां पर है? राजसमंद जिले में है, वहां की मृण मूर्तियां प्रसिद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न, भोंडल की छपाई के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, नागौर। नागौर को धातु नगरी कहते हैं, धातु नगरी कहते हैं। अहिछत्रपुर इसका प्राचीन नाम, और रेवत की पहाड़ी पर टंगस्टन डेगाना में सर्वाधिक होता है। चित्तौड़गढ़, गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़, बाकी सब गढ़िया। राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी प्रवेश द्वार, राजस्थान का पहला आवासीय किला चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा वस्त्र नगरी कहा जाता है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है। प्रश्न आ जाए, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद गुजरात, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर उत्तर प्रदेश, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर तमिलनाडु, विश्व का मैनचेस्टर इंग्लैंड में, चीन का मैनचेस्टर शंघाई कौन सा है? शंघाई। भोंडल की छपाई के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? भीलवाड़ा। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर, नवीन मैनचेस्टर भिवाड़ी अलवर। मैनचेस्टर होता है जहां वस्त्र निर्यातक जो क्षेत्र होता है वो। बड़े देवता जी की हवेली किस जिले में स्थित है? भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है बड़े देवता जी की हवेली, कोटा, झालावाड़, राजसमंद, भीलवाड़ा। प्रश्न पूछा गया ये भी कि बड़े देवता जी की हवेली कहाँ है। राजसमंद तिलक की आकृति का जिला है, तिलक की आकृति का। भीलवाड़ा आयत की आकृति का जिला है। झालावाड़ अंग्रेजों द्वारा बसाई गई नवीन रियासत है। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? कोटा। क्या है? कोटा। राजस्थान का नागपुर कौन सा जिला कहलाता है? झालावाड़। कौन सा जिला कहलाता है? झालावाड़। जिस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उस्ताद अहमद अली खान ख्यात है वह है, यानी उस्ताद अहमद अली खान विख्यात, यहां पर वी हो जाएगा, विख्यात यानी पूरे भारत विश्व में प्रसिद्ध थे उस्ताद अहमद अली खान, तबला, सितार, इसराज या सरोद। देखो अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारत के प्रसिद्ध सितार वाद्य यंत्र वादक कौन थे, तो भारत के थे पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर जो प्रसिद्ध सितार वादक थे। तबला किशन महाराज, जाकिर हुसैन या सामता प्रसाद, एक नाम क्या है? सामता प्रसाद, तबला बजाने वाले। और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? सरोद। झमट्या पात्र लोक भाषा में कविता बोलता है और खटखड़ैया उसको दोहराता है, बीच बीच में जोकर का काम करता है। बचपन में हम भी कोई झमट्या खटखट्या वाला खेल खेला करते थे। गौरी नृत्य, हेला ख्याल या कुचामनी ख्याल या गैर नृत्य, सोचिए। हेला ख्याल की अगर बात करूं तो हेला ख्याल के जो प्रवर्तक थे उनका नाम था सायर हेला। क्या नाम था? सायर हेला। कहाँ का प्रसिद्ध है हेला? लाल से देखो उत्तर दिया हुआ है, लाल सोट दोसा, लाल सोट दोसा का। सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र में, दोसा वाले क्षेत्र में यहाँ पर यह ख्याल प्रसिद्ध है। इसमें किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? नौबत। किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? नौबत वाद्य यंत्र का। लंबी टेर देना, जैसे आवाज देते ना खेत में खड़े रो रामुड़ा, उस प्रकार से यहाँ लंबी टेर देना हेला कहलाता है, ठीक है। उसके अलावा कुचामणि ख्याल कहाँ पर है? कुचामण तो नागौर में, तो ये ख्याल भी कहाँ पर होगा? नागौर में। प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। प्रवर्तक कौन है? लच्छी राम। और प्रसिद्ध खिलाड़ी पूछा जाए तो उत्तर बता सकते हो उगम राज। प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन है? उगम राज। किस खेल के? कुचामणि ख्याल के। खुले मंच का प्रयोग किया जाता है
इसका रूप होता है जो ओपेरा जैसा होता है, ठीक है। और इस प्रश्न का सही उत्तर है गौरी नृत्य में झामटिया बोलता है, कविता बोलता है और खटखड़िया उसको दोहराता है। भीलों द्वारा किया जाता है, भीलों द्वारा किया जाता है, 40 दिन तक चलता है, भाद्रपद माह में शुरू होता है और अश्विन शुक्ल की एकादशी तक, भादवे में शुरू हुआ और एकादशी तक चलता है 40 दिन तक। गौरी नाट्य का मुख्य आधार पूछा जाए तो शिव होता है, कौन होता है, शिव, तथा भस्मासुर की कथा है। शिव को क्या कहते हैं, पूरिया, शिव को क्या कहते हैं, पूरिया कहा गया है, पूरिया, शिव को पूरिया कहा गया है। और खास बात इस नाट्य की, महिलाओं की जो भूमिका है वो पुरुष ही निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, तिमणिया नामक आभूषण पहना जाता है, सिर पर, हाथों में, दांत में, गले में, दांत को चुप रख, तो चुप और रखन कहां के आभूषण है, दांत के, कहते हैं ना अपनी जबान को चुप कर ले, दांत तोड़ दूंगा नहीं तो, अरे दांत क्यों तोड़ोगे तुम, जबान को काटो ना, बोलती जबान है, दांत तोड़ दोगे, तो दांत, चुप, चौंप कहां के आभूषण है, दांतों के, और रखन जो आभूषण है वो कहां का है, दांत का है। अब चुप या चौंप कैसे होते हैं कि जो सामने के जो दो दांत होते हैं उनमें सोने या चांदी का एक पदार्थ भरा दिया जाता है, उसको ऐसे खोखला करके उसे कहते हैं, और चांदी या सोने से रंगे हुए बाकी दांतों को रखन कहा जाता है, सामने वाले दांतों को चुप या चौंप कहते हैं। प्रश्न आ जाए सिर के आभूषण कौन कौन से हैं, शीशमल, मेमंद, बोर, रखड़ी, टीकड़ा जिसे बोलते हैं टीकड़ा, ठीक है। और हाथों में कोई आभूषण नहीं होता, उंगलियों में होगा या कलाई में होगा। प्रश्न गले वाला तो बच गया, इसका उत्तर क्या होगा, गले में। तो तिमणी आभूषण कहाँ पहना जाता है, गले में, झालरो, हमेल, मांदड़िया, तुलसी, मोहनमाला, हांसली, ये कहाँ पर पहने जाते हैं, गले में। चंदू जी का गड्ढा तथा बोडीगामा स्थान किसके लिए विख्यात है, बोडीगामा किसके लिए विख्यात है, कुंदन कला के लिए, आजम जाजम प्रिंट तो चित्तौड़गढ़ का है। कुंदनगिरी क्या होती है, जो अपने आभूषण पहनते हैं अंगूठी वगैरह चांदी की, उनमें अगर रंग भरा जाए तो मीनाकारी है, अगर उनमें नग जड़ा जाए तो कुंदनगिरी है। मीनाकारी जिसमें रंग भरा जाए, मीनाकारी लेकर कौन आए, मानसिंह, कहाँ से, लाहौर से, लाहौर तक कौन लेकर आया, अकबर, कहाँ से, पर्शिया से। तो यहाँ जो ऑप्शन है चंदू जी की गड्ढा, चंदू जी का गड्ढा और बोडीगामा तीर कमान के लिए। भवानी नाट्यशाला राजस्थान के किस जिले में स्थित है, भवानी नाट्यशाला, देखो इसकी शुरुआत किसके समय हुई, पहला प्रश्न, भवानी सिंह द्वारा निर्मित ओपेरा शैली में बनी हुई है, तो इसका उत्तर होगा झालावाड़। जयपुर में भी एक इस प्रकार से है राम प्रकाश थिएटर, क्या है, राम प्रकाश थिएटर, जो उत्तर भारत का बनाया हुआ पहला थिएटर था, राम सिंह द्वितीय के समय बनाया गया था, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था, जयपुर के शासक थे, राम प्रकाश थिएटर जयपुर में है। माणिक्यलाल डांगी, कन्हैयालाल पंवार, इन लोगों ने इसको ख्याति दिलाई थी, पारसी थिएटर के कर्मचारी थे ये जो वहां पर। राजस्थानी नाटकों के जनक और निर्देशक पूछा जाए कि राजस्थानी नाटकों के जनक कौन है या उनके निर्देशक कौन है, तो कन्हैयालाल पंवार, कौन है, कन्हैयालाल पंवार। भारत में पहला खेला गया नाटक कहां पर था, तो उस नाटक का नाम था इंद्रसभा। भारत में खेला गया पहला नाटक लखनऊ में, कहां खेला गया, लखनऊ में। लखनऊ कहां पर है, उत्तर प्रदेश में, किस जगह पर था, केसर बाग में, केसर बाग में, लखनऊ के केसर बाग में इंद्रसभा पहला भारत में खेला गया नाटक था। लखनऊ जो गोमती नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी तो राजस्थान में भी बहती है, जैसमंद और राजसमंद जिले दोनों ही गोमती नदी के किनारे है। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं, तो नवाबों की नगरी टोंक है। लखनऊ में बेगम हजरत महल
बेगम हजरत महल को महक परी कहते थे। 1857 की क्रांति के समय की बात है। वीडियो देखना, आपको बहुत सारी जानकारी प्राप्त होगी। राजस्थान की बहरूपिया कला विश्व के अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाले थे जहूर खां मेवाती, देवीलाल सांभर, जानकीलाल या उदय शंकर। जहूर खां मेवाती भपंग के जादूगर, देवीलाल सांभर लोक कलाओं को संरक्षण देने वाले व्यक्ति। तो उत्तर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही है, जानकीलाल भांड, भीलवाड़ा। जानकीलाल कहां के रहने वाले थे? भीलवाड़ा के। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई बहरूपिया कला, इसे हम बोल सकते हैं सुवांग। क्या बोल सकते हैं? सुवांग धारण करना। क्या होता है? किसी विशेष ऐतिहासिक, पौराणिक या लोक प्रसिद्ध या समाज में विख्यात, जिसे कह सकते हैं कोई व्यक्ति, या कोई देवी देवताओं की नकल में मेकअप करना या वेशभूषा को बदलना या पहनना, क्या कहलाता है? बहरूपिया कला, सुवांग जिसे कहते हैं, जानकीलाल। राग कल्पद्रुम के रचयिता है, राग कल्पद्रुम के रचयिता है राधा कृष्ण, कृष्णानंद व्यास, राणा हमीर, महाराणा कुंभा। राणा हमीर सिसोदिया वंश के संस्थापक थे 1326 ईस्वी में, जिसे हमीर विषम घाटी पंचानन कहा गया है, यानी युद्ध में सिंह के समान वीर राजा कहा गया है कुंभा के द्वारा। कुंभा कला व स्थापत्य कला का जनक। उत्तर क्या होगा? कृष्णानंद व्यास। नेक्स्ट प्रश्न, होली के अवसर पर निम्न में से कौन सा तमाशा खेला जाता है? बताइए, जोगी जोगण, हीर राजा, गोपी चंद, जुठन मिया। आप सभी वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दिया करो, क्योंकि मैं जब देखता हूं कि वीडियो जब हमारा समाप्त होता है 150 से ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, पर लाइक होते हैं 25 ही। तो आप जो सभी वीडियो देख रहे हो तो इसको लाइक तो करो ना, ताकि मुझे अच्छा लगे और अपना वीडियो शेयरिंग में आए ज़्यादा से ज़्यादा। 10 व्यक्तियों को रोज़ाना शेयर करोगे तो भी एक दिन ऐसा होगा कि राजस्थान के प्रत्येक ज़िले में ज़रूर पहुँच जाएंगे। इसीलिए मैं रोज़ कहता हूँ कि जो जिस ज़िले का है वो मुझे मैसेज करे, अपने ग्रुप में जोड़े मुझे, जो जिस जिले का है वो मैसेज करके बताएं कि मैं जोधपुर से हूँ, बाड़मेर से। कल 4-5 मैसेज आए, झालावाड़ से आए शुभम के, उनके नाम याद नहीं रहते। तो आप मुझे अपने ग्रुप में ऐड कर लीजिए, ताकि मैं वहाँ पर ये लिंक भेज दिया करूँगा और अपने लाइव आ जाएंगे। इसका उत्तर क्या होगा? जोगी जोगड़। तमाशा क्या है? तमाशा लोक नाट्य शैली प्रताप सिंह के समय महाराष्ट्र से आई थी, और फूलजी भट्ट जो थे उन्होंने यहाँ पर उस्ताद परंपरा की शुरुआत की। मुख्य कलाकार तमाशा के थे बंसीधर भट्ट। तो होली के अवसर पर जोगी जोगण नामक एक तमाशा किया जाता था। होली के दूसरे दिन कौन सा किया जाता है? हीर रांझा। होली के दूसरे दिन और चैत्र की अमावस्या को जो किया जाता था वो था गोपीचंद। चैत्र की अमावस्या को गोपीचंद किया जाता है, और चैत्र अमावस्या को मेला कोलू गांव में बाबूजी का भरता है। शीतला माता का जो दिन होता है, यानी शीतला अष्टमी जिस दिन कह सकते हैं, उस दिन जुठन मिया नामक एक तमाशा किया जाता था। शीतला माता का मंदिर चाकसू जयपुर में है, शील की डूंगरी पर बना हुआ, जिसका पुजारी कुम्हार होता है, प्रतीक चिन्ह दीपक होता है, वाहन गधा होता है, चेचक की देवी है, सेंडल माता कहते हैं, महामाई माता कहते हैं, बच्चों की संरक्षिका माता कहते हैं। यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न था। सभी का बहुत बहुत आभार जो चैनल पर बने रहे, धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। जल्द ही अवकाश लेने के बाद में मैं आपके लिए फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर के वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, और लाइव क्लासें भी शुरू करने जा रहा हूं। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जुड़ने की कोशिश कीजिए। जय हिंद, जय भारत। कल फिर मिलते हैं।